हाँ भाई, वेलकम टू चिका बड्डे के। आज हम आपके लेकर आए हैं प्रैक्टिस सेट का 14 नंबर का वीडियो। और इससे पहले अगर आपने 13 वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ NTPC की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। और आज हम बात करेंगे बायोलॉजी, ठीक है। आज हम जो क्वेश्चन लेकर आए हैं ये मोस्टली बायोलॉजी के लेकर आए हैं। और याद रखिएगा कि रेलवे एग्जाम्स के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है बायोलॉजी। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं आज हम यहाँ पर देखेंगे। और याद रखिएगा, सभी क्वेश्चन को बहुत ही आराम से, बहुत ही बारीकी से समझकर क्वेश्चन के आंसर करिएगा। अगर आपको आते हो तो, अगर नहीं भी आते हैं तो हम आपको बताएंगे जरूर, तो आप उन्हें याद रख लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो का पहला ही क्वेश्चन क्या है कि मनुष्य के शरीर में बीटा कोशिकाएं एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं हैं जो कि उपस्थित रहती हैं। यानी जो आपको पूछा क्या जा रहा है कि जो बीटा कोशिकाएं हैं ये कहां पर पाई जाती हैं। याद रखिएगा कि इसका करेक्ट आंसर आपका है अग्नाशय। याद रखिएगा, बीटा कोशिकाएं अग्नाशय में पाई जाती हैं। देखिए, बीटा कोशिकाएं क्या है, यहाँ पर अग्नाशय में तीन कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक होता है अल्फ़ा, फिर एक होती है बीटा और एक होती है गामा, ठीक है। लेकिन बीटा कोशिकाएं स्पेशली इसलिए हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है। देखिए, बीटा कोशिका क्या है, एक ऐसी कोशिका है जहाँ से स्रावित होता है इंसुलिन हार्मोन, ठीक है। यानी इस सेल में, यानी बीटा सेल्स में क्या निकलता है, एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है इंसुलिन। तो याद रखिएगा कि इंसुलिन से अगर उसकी जो अनियमितता होती है, यानी इसकी कमी होती है, तो हमारे शरीर में कौन रोग होता है, डायबिटीज़ रोग होता है। तो याद रखिएगा कि ये कहाँ पर, अग्नाशय में पाई जाती है और इसमें स्रावित होता है इंसुलिन हार्मोन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मनुष्य में जो है ऑन्कोजेंस किस रोग के लिए जो है उत्तरदायी होते हैं। यानी कौन सी डिजीज़ जो है ऑन्कोजेंस के कारण शरीर में उत्पन्न होती है। IMP क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। और याद रखिएगा, काफ़ी बेस्ट टॉपिक है ये। क्या बोले, मनुष्य में ऑन्कोजेंस किस रोग के प्रति के लिए जो है उत्तरदायी होते हैं। तो याद रखिएगा, ऑन्कोजेंस होते हैं कैंसर के प्रति उत्तरदायी, ठीक है। यानी जो ये जीन्स है ये मनुष्य के शरीर में कैंसर उत्पन्न करते हैं, ठीक है। देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मनुष्य में होने वाला कौन सा रोग जो है एक प्रकार का संक्रमण रोग नहीं है। यानी ऐसा कौन सा रोग है जो हमें टचिंग से नहीं होता, यानी एक दूसरे को छूने से नहीं होता या एक दूसरे के पास रहने से नहीं होता। तो ये ऐसा कौन सा रोग है, तो बहुत ही इजीली आप पहचान गए होंगे, पोलियो। क्योंकि यार देखिएगा, पोलियो जो है ये आपका दूषित जल या फिर खाना खाने से हो जाता है बच्चों को, तो लेकिन ये संक्रमित रोग नहीं है। यानी इसका संक्रमण एक बच्चे से दूसरे बच्चे में नहीं फैलता, ठीक है। लेकिन चेचक और क्षय रोग, यानी TV और आपका जो है चेचक, ये कनेक्टिंग रोग है। अगर किसी को हुआ है और इनके कनेक्ट होते हैं इनसे, तो आपको भी ये रोग हो जाएगा, पर पोलियो ऐसा नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका कि विटामिन डी की कमी से मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न होता है। IMP क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। देखिए, विटामिन डी की कमी से मनुष्यों में कौन सा रोग होता है, सूखा रोग, जिसको बोलते हैं रिक्रेट्स, ठीक है। रिक्रेट्स रोग होता है विटामिन डी की कमी से। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन और पूछा जाता है यहाँ से कि मनुष्य के शरीर में स्वतः निर्मित होने वाला एकमात्र विटामिन कौन सा है। तो याद रखिएगा, विटामिन डी ही है जो मनुष्य की त्वचा से स्वतः ही निर्मित हो जाता है। यानी सूर्य के प्रकाश से हम इसे, हमारे शरीर में ये खुद ही बन जाता है, जिस कारण इसके क्या एकमात्र ये विटामिन ऐसा है जो हमारे शरीर में बन सकता है, वरना ऐसा कोई भी विटामिन नहीं जो हमारे शरीर के अंदर बन जाए। विटामिन डी की कमी से मनुष्यों में होता है सूखा रोग, जिसको हम लोग बोलते हैं रिक्रेट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका कि मगरमच्छ किस संघ का जंतु है, ठीक है। IMP क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं रेलवे एग्जाम्स में। तो क्या पूछ रहे हैं, मगरमच्छ किस संघ का जंतु है, बताइए। क्रोकोडाइल जो है किस संघ का जंतु है। तो देखिए, संघ का तो मतलब आपको पता ही होगा, ये फाइलम, और ये फाइलम कौन सा है, सरीसृप, यानी रेप्टाइल्स है ये, ठीक है। रेंगने वाला जंतु है और इस जो फाइलम में ये सभी जंतु आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका कि अशुद्ध रुधिर को मानव हृदय तक ले जाने का कार्य करता है या फिर करती है। IMP क्वेश्चन है, याद रखिएगा, यानी इम्प्योर ब्लड को जो है मानव हृदय तक ले जाने का कार्य कौन करती है, यानी हार्ट तक जो कौन ले जाती है। तो याद रखिएगा, वेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं शिरा, ठीक है। शिरा जो है ये अशुद्ध रुधिर को क्या करती है, हृदय तक ले जाने का कार्य करती है। धमनी शुद्ध रुधिर को पूरे शरीर में फैलाती है, और फेफड़ा जो है ये शुद्ध रुधिर को वापस कहाँ पर भेजता है,
हृदय में भेजता है, पर अशुद्ध रुधिर को फेफड़े कभी भी हृदय में वापस नहीं भेजते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या आपका होगा, शेरा, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं वेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रसांकुर, इसको बोलते हैं हम लोग विली, उपस्थित होती है, आईएमपी क्वेश्चन, बताइए। तो यार रखेगा रसांकुर जिसको बोलते हैं हम लोग विली, ये उपस्थित होती है स्मॉल इंटेस्टाइन्स में, यानी छोटी आंत में ये उपस्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका कि मानव शरीर में किस ग्रंथि द्वारा एक विशेष प्रकार का हार्मोन जो है भय के समय उत्पन्न होता है, यानी आपने कभी देखा होगा कि आप कभी किसी चीज़ से अचानक डर जाते हैं या फिर आपके सामने कोई ऐसी स्थिति आ जाती है जिससे आपको लड़ना ही पड़ता है, यानी जिससे आप पहले बच रहे थे कि हमें ना लड़ना पड़े या ऐसा हमें से इसको फेस ना करना पड़े, लेकिन कभी कभी एक ऐसी स्थिति आ जाती है जब आप उसको आपको उसे फेस करना होता है, जैसे कि एग्ज़ाम का, कभी आपको लगता ना कि एग्ज़ाम ना आए लेकिन एग्ज़ाम एक दिन आ जाता है तो आपको वो फेस करना ही पड़ता है। तो ऐसी कोई स्थिति जो भयावह हो यानी जिससे हमें डर लगता हो, उस स्थिति में एक विशेष प्रकार का जो हार्मोन निकलता है और वो क्या करता है, उस स्थिति से हमको संभलने का पूरी तरह से मदद देता है। ठीक है, तो यहाँ पर बात की जा रही है अधिवृक्क ग्रंथि की, जिसको बोलते हैं एड्रिनल ग्रंथि। तो एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होता है इस प्रकार का हार्मोन जो हमें इस सिचुएशन में क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका कि निम्नलिखित में जो है कौन एक यौन संचारित रोग नहीं है, यानी एक ऐसा रोग है, सॉरी निम्नलिखित में कौन जो है एक यौन संचारित रोग है, यानी एक ऐसा रोग जो लैंगिक संसर्गों से एक दूसरे को फैलता है। तो याद रखिएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त सभी, क्योंकि सिफिलिस, एड्स और सुजाक, ये तीनों ही रोग जो है यौन संचारित रोग की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पौधे में जल व खनिज पदार्थों का परिवहन किसके माध्यम से होता है, यहाँ से आपसे पूछा क्या जा रहा है, वाटर एंड जो आपका है मिनरल्स का जो परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट किसके माध्यम से पौधे के पूरे शरीर में होता है, आईएमपी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो आपको अगर आंसर इसका आता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और अगर नहीं आता है तो लिख लीजिए, याद कर लीजिए, जिसको बोलते हैं दारू। दारू किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं जाइलम को। तो ठीक है, जाइलम के थ्रू क्या होता है, जल व खनिज पदार्थों का परिवहन जो है पूरे शरीर में होता है पौधों के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका कि मुंच परिकल्पना पौधे के किस सिद्धांत को समझाती है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो यार रखिएगा मुंच परिकल्पना किससे संबंधित है, ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है, तो यार रखिएगा खाद्य पदार्थों के स्थानांतरण से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में किस घटना में निकला हुआ जल शुद्ध कहलाता है, आईएमपी क्वेश्चन है, यानी ऐसी कौन सी सिचुएशन है जब जल जो है क्या होगा, शुद्ध होगा। तो यार रखिएगा वाष्पोत्सर्जन, ये एक ऐसी क्रिया है जो पौधे को किससे बचाती है, मिलानी से यानी मुरझाने से बचाती है। तो आपने देखा होगा कि गर्मियों के समय में जो है पौधों में जो है जल की हानि होती है, ये ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि जिससे कि जो धूप इनकी पत्तियों को जलाना दे तो पूरे पौधों के पत्तियों पर क्या है, पानी यानी जल आ जाता है, जिससे कि पौध जो आपकी सूर्य की रोशनी है इन्हें जला नहीं पाती। ठीक है, तो वाष्पोत्सर्जन से निकला जल क्या होता है, टोटली प्योरीफाई होता है, काफ़ी शुद्ध होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका कि निम्नलिखित में पौधे में कौन सी प्रक्रिया रात्रि के समय नहीं होती, यानी ऐसा कौन सा जो है क्रिया जो नाइट में नहीं होती, तो क्या नहीं होती, प्रकाश का संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस जो है आपकी रात्रि में कभी भी नहीं होगी, श्वसन, बिंदु श्रावण, खाद्य पदार्थों का परिवहन, ये किसी भी समय होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका कि मनुष्य में कुल कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, आईएमपी क्वेश्चन है, बताइए। तो देखिए क्या बोले, कितनी जोड़ी, अगर आपसे पेयर पूछा जा रहा हो तो यार रखिएगा तीन पेयर पाए जाते हैं, क्योंकि अगर टोटल अगर नंबर पूछता है कि मनुष्य में कितनी जो है लार ग्रंथियां पाई जाती है तो वहां पर करेक्ट आंसर होता है सिक्स, लेकिन यहां पर कह कह रहा है कि मनुष्य में कुल कितनी जोड़ी यानी पेयर में कितनी पाई जाती, तो तीन और तीन दूनी छः, ये चीज़ होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा अगर आपसे जोड़ी पूछे तो आप आंसर करेंगे तीन, और अगर आपसे पूछे संख्या तो आप बताएंगे छः। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस विटामिन का स्रोत जो है जल माना जाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सी आपको समझाना चाहेंगे। देखिए एक विटामिन होता है बी और एक होता है विटामिन सी, और ये दोनों ही पाए जाते हैं जल में,
देखिए क्या आप बोल रहे हैं, जल में पाए जाते हैं, लेकिन जल में पाए जाने का मतलब ये नहीं कि जल में सभी प्रकार के जल में उपस्थित हो, ये घुलनशील होते हैं। घुलनशील जैसे कि आप वाटर लेंगे उसमें नमक घोलेंगे तो वो पानी के साथ घुल जाएगा, आप चीनी लेंगे तो वो पानी के साथ घुल जाएगी, ये घुलनशील है, यानी ऐसे विटामिन जो पानी में घुल जाते हैं, तो वो बात आ जाती है जल में घुलनशील विटामिन। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किस विटामिन का स्रोत जल माना जाता है, यानी ये नॉर्मल वाटर है इसमें कौन से विटामिन पाए जाते हैं। बात समझ में आ रही है, यहाँ सिर्फ वाटर की बात हो रही है, जल में घुलनशील विटामिन की बात नहीं हो रही है। तो देखिए सी तो यहाँ से कट जाता है, क्योंकि यहाँ पर बात क्या हो रही है, सिर्फ जल में घुलनशील विटामिन की, सॉरी जल में पाए जाने वाले विटामिन की, तो उसका करेक्ट आंसर होगा बी कॉम्प्लेक्स, क्योंकि ये नॉर्मल जल में पाए जाते हैं, बाकी घुलनशील तो बी और सी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, कि मनुष्य में प्रोटीन का पाचन सर्वप्रथम होता है, आईएमपी क्वेश्चन बताइए, मनुष्य में प्रोटीन का पाचन सर्वप्रथम कहां पर होता है, तो यार कहेगा अमाशय में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कि बाइल जूस की रासायनिक प्रकृति क्या है, आईएमपी क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का जवाब हम पिछले वीडियो में भी दे चुके हैं, तो आप जब प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, और अगर आपको आता है तो इसका आंसर जरूर करिएगा कि बाइल जूस की रासायनिक प्रकृति क्या होती है, क्षारीय, अम्लीय, उदासीन या फिर जलीय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कि अधिक मात्रा में ग्लूकोज की मात्रा लेने पर यह किस रूप में संगठित हो जाता है, आईएमपी क्वेश्चन बताइए, तो यार कहेगा जब हम अधिक मात्रा में ग्लूकोज ले लेते हैं तो यह संगठित हो जाता है ग्लाइकोजन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कि बाइल जूस में निम्नलिखित में क्या पाया जाता है, आईएमपी क्वेश्चन बताइए, बाइल जूस में निम्नलिखित में क्या पाया जाता है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त सभी, क्योंकि पेप्सिन, रेनिन, जठर, लाइपेज ये सभी पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कि क्रैब चक्र की क्रिया संपन्न होती है, आईएमपी क्वेश्चन बताइए, क्रैब चक्र की जो क्रिया है संपन्न होती है, यानी क्रैब साइकिल जो है कंप्लीट कहाँ पर होती है, तो याद रखिएगा ये होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कि अल्कोहल का निर्माण होता है, आईएमपी क्वेश्चन, कई बार ये क्वेश्चन बनता है, अल्कोहल का निर्माण होता है, तो याद रखिएगा खमीरीकरण, जिसको हम लोग बोलते हैं किडवन। ठीक है, इसके थ्रू जो होता है अल्कोहल का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्या है, कि एक स्वस्थ मनुष्य की नाड़ी की गति जो है प्रति मिनट कितनी होती है, ये क्वेश्चन तो हमें लगता है रेलवे का काफ़ी फेवरेट है, हर बार ही क्वेश्चन रिपीट होता है, तो देखिएगा एक स्वस्थ मनुष्य की नाड़ी की गति जो है प्रति मिनट में कितनी होती है, 72। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कि किस स्थान के पौधे में वाष्प उत्सर्जन की क्रिया नहीं देखी जाती, आईएमपी क्वेश्चन, तो यार कहेगा मरुस्थली पौधों में क्या है, वाष्प उत्सर्जन की क्रिया नहीं देखी जाती। रीजन क्या होता है, कि मरुस्थली पौधों के पास वैसे भी जल बहुत कम होता है, और अगर वाष्प उत्सर्जन से ये उसे ख़त्म कर देंगे तो ये मर जाएंगे। इस कारण क्या है, कि इनके जो स्टोमेटा होते हैं वो बंद हो जाते हैं, और इन पौधों में वाष्प उत्सर्जन की क्रिया नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कि वसा में घुलनशील विटामिन है, आईएमपी क्वेश्चन बताइए। देखिए हम आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे, कि जितने भी विटामिन्स हैं उनके जो है रासायनिक नाम जरूर पढ़ लीजिएगा, रेलवे में हर बार यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, पता ही होगा आप लोगों को, तो देखिए रेटिनॉल, रेटिनॉल एक ऐसा विटामिन है जो वसा में घुलनशील होता है, यहाँ पर बात की जा रही है विटामिन ए की। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कि मनुष्य के शरीर में की सबसे व्यस्त ग्रंथि है, आईएमपी क्वेश्चन बताइए, मनुष्य के शरीर की सबसे व्यस्त ग्रंथि कौन सी है, यानी बिजिएस्ट ग्लैंड कौन सी है, तो याद रखिएगा यकृत ग्रंथि जो है मनुष्य के शरीर की सबसे व्यस्त ग्रंथियों में से एक है। नेक्स्ट क्या है, कि रुधिर जांच के दौरान यह पाया जाता है कि रोगी में इंटरफेरॉन की मात्रा अधिक बन रही है, रोगी को किस रोग से संक्रमित होने की संभावना अधिक है, आईएमपी क्वेश्चन, तो देखिए हम इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहेंगे। देखिए इंटरफेरॉन होता क्या है, इंटरफेरॉन तब बनती है, एक विशेष प्रकार की प्रोटीन है, जब कोई रोग किससे हुआ हो, विषाणुओं से हुआ हो। ठीक है, क्वेश्चन अभी नीचे हम इसको समझा देंगे, तो जब कोई रोग विषाणुओं से हुआ हो तो अब इंटरफेरॉन्स बनते हैं। तो देखिए मलेरिया जो नहीं, टेटनेस नहीं, लेकिन खसरा एक विषाणु जनित रोग है, और यहाँ पर बनती है इंटरफेरॉन। तो रोगी को किस
रोग की होने की संभावना अधिक है खसरा की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मलेरिया रोग से ग्रसित रोगी में तेजी से कमी आती है। आईएमपी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है। यदि कोई व्यक्ति मलेरिया रोग से ग्रसित है तो याद आपको पता होना चाहिए कि मलेरिया रोग होता है मादा मच्छर एनाफिलीज के काटने से। ये प्लाज्मोडियम इसका परजीवी होता है। मनुष्य में इस रोग जब होता है ये रोग मलेरिया तो कमी आती है प्लेटलेट्स की संख्याओं में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इंटरफेरॉन्स क्या है। आईएमपी क्वेश्चन बताइए। देखिए मैंने भी आपको ऊपर बताया था ना, जब हमारे शरीर के अंदर क्या विषाणु संक्रमण होता है तब इंटरफेरॉन्स बनते हैं। तो यही तो मैं बताया था ना, प्रति विषाणु प्रोटीन यानी ऐसे प्रोटीन्स जो क्या है इन विषाणुओं को मारने के लिए बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मानव में सर्वाधिक रोग कारक होते हैं। यानी मानव में अगर हम बात करें कि 90% रोग किनके कारण होते हैं, तो यहाँ पर इसका आंसर होगा जीवाणु, क्योंकि मानव में सर्वाधिक रोग कारक होते हैं जीवाणु। लेकिन अगर यहीं पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता पौधों में सर्वाधिक रोग के कारक कौन होते हैं, तो आपका आंसर होता कवक यानी फंगस। लेकिन अभी यहाँ पर बात की जा रही है मानव की, तो याद रखिएगा बैक्टीरिया जो होते हैं मानव शरीर में सर्वाधिक रोग कारक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि विटामिन की कमी से होने वाला रोग है। आईएमपी क्वेश्चन बताइए। तो देखिए विटामिन की कमी से होने वाला रोग है नपुंसकता, ये विटामिन ई की कमी से होता है। ठीक है, बाकी पोलियो खसरा चेचक ये किसी भी विटामिन की कमी से नहीं उत्पन्न होते। तो ये थे मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ सुबह 8:30 बजे, और हम इस बार जो आपके लिए काफ़ी बेस्ट वीडियो लेकर आएंगे उसके लिए आप बिल्कुल भी समस्या मत करिए। आपके जितना भी बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन हम आपको कवर करा देंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू।